3 दिसंबर 1971 जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ जो कि 16 दिसंबर 1971 तक चला। अब तक पाकिस्तान अपने घुटनों पर आ चुका था। ठीक इसी समय इस युद्ध में एंट्री होती है अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की। अमेरिका भारत को युद्ध रोकने के लिए धमकी दे रहा था कि अगर भारत ने युद्ध नहीं रोका तो पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका आगे आएगा। और इस तरह 1971 के इंडो पाक वार में एंट्री होती है रसिया की। जब पाकिस्तान की हार साफ साफ नजर आ रही थी तब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बंगाल की खाड़ी में USS इंटरप्राइज के नेतृत्व में US 7th Fleet टास्क फोर्स भेजने का निर्णय लिया। आपको एक बात पता होना चाहिए कि USS इंटरप्राइज अपने दौर का 75,000 टन वजन 70 से अधिक लड़ाकू विमानों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संचालित विमान वाहक युद्धपोत था। उस समय भारतीय नौसेना के बेड़े का नेतृत्व 20,000 टन के विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत ने किया जिसमें 20 हल्के लड़ाकू विमान थे। आधिकारिक तौर पर USS इंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी में भेजने का मुख्य कारण बांग्लादेश में अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा करना बताया गया था, जबकि अनौपचारिक रूप से यह भारतीय सेना को धमकाना और पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति को रोकना था। ये सब चल ही रहा था कि भारत को जल्दी ही एक और बुरी खबर मिली। सोवियत खुफिया विभाग ने भारत को सूचना दी कि कमांडो वाहक HMS एल्बियन के साथ विमान वाहक HMS ईगल के नेतृत्व में एक शक्तिशाली ब्रिटिश नौसैनिक बेड़ा कई विध्वंसकारों ने जहाजों के साथ पश्चिम से भारत के जल क्षेत्र में अरब सागर की ओर आ रहे हैं। दोस्तों, इस युद्ध में जहां भारत एक तरफ अकेले खड़ा था तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की मदद के लिए USA, ब्रिटेन, अरब वर्ल्ड और श्रीलंका थे। ब्रिटिश और अमेरिकियों ने भारत को डराने के लिए एक समन्वित नेवी हमले की योजना बनाई जिसमें अरब सागर में ब्रिटिश जहाज भारत के पश्चिमी तट को निशाना बनाएंगे जबकि अमेरिकी चटगांव में हमला करेंगे। इस समय भारतीय नौसेना ब्रिटिश और अमेरिकी जहाजों के बीच में फंस गई थी। वह दिसंबर 1971 था और दुनिया के दो प्रमुख लोकतंत्र अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए खतरा बन रहे थे। और दूसरी तरफ रसिया की रेड नेवी ने जल्द ही USS इंटरप्राइज को ब्लॉक करने के लिए व्लादिवोस्तोक से 16 सोवियत नौसैनिक इकाइयों और 6 परमाणु पनडुब्बियों को भारत की ओर भेजा। दुनिया ने अपनी सांसें रोक रखी थी। जैसे ही USS इंटरप्राइज पूर्वी पाकिस्तान की ओर बढ़ा, सोवियत पनडुब्बियां बिना किसी चेतावनी के सामने आ गईं। और इस तरह सोवियत सबमरीन भारत और अमेरिकी नौसैनिक बल के बीच खड़े थे। यह सब अचानक देखकर अमेरिकी हैरान रह गए। 7th अमेरिकी फ्लीट कमांडर ने उस समय के एडमिरल गॉर्डन से कहा, सर हमें बहुत देर हो चुकी है, सोवियत यहाँ हमसे पहले आ चुके हैं, अब पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब पाकिस्तान इस युद्ध में अकेला पड़ चुका था, उसके सभी साथी देश उसका साथ छोड़कर वापस जा रहे थे। फिर वो मोड़ आया जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिक भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर चुके थे। तो इस तरह 1971 के वॉर में भारत की विजय और पाकिस्तान की पराजय हुई और एक नए देश का जन्म हुआ जिसे आज हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। आज अधिकांश भारतीय बंगाल की खाड़ी में दो महाशक्तियों के बीच इस विशाल नौसैनिक शतरंज की लड़ाई को भूल गए हैं। नमस्कार, जय हिंद।